दीपावली के बाद छठ पर्व का त्यौहार नजदीक है, जिसे लेकर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है और आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा है। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि एक बार फिर आपने पूर्वांचली आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने अपील की और कहा कि यमुना के दूषित पानी में लोग डुबकी ना लगाएं। यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर छठ पर्व मनाने को लेकर वार पलटवार जारी है। अरविंद केजरीवाल के 2025 में यमुना की डुबकी लगाने के वादे पर दिल्ली बीजेपी ने सवाल उठाए। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को भ्रम में डालने वाले अरविंद केजरीवाल को बंद कर देना चाहिए। छठ जैसे पावन अवसर पर जहां आम आदमी पार्टी को बेहतर प्रबंध करने चाहिए थे, वो अब तक नजर नहीं आ रहे। इस बार भी पूर्वांचल महिलाओं की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, बड़ी सिंपल सी बात है कि छठ जिस तरह मनाई जाती है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा रोल है। वो जो घाट बनाने हैं कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, सरकार की मशीनरी को बना के देने हैं। इस साल अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले दिनों में हमने ये सुना ही नहीं कि कहीं कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री या कोई विधायक कहीं निरीक्षण दौरे पे गया। आप किसी अखबार में मैंने ऐसा कोई खबर नहीं देखी। मेरा अपना मानना है आज 2 तारीख खत्म हो गई है, मोटा मोटी 3, 4 और आधी 5 ये 2.5 दिन का समय सरकार के पास है और घाट मेरी जितनी जानकारी है दिल्ली में कोई भी घाट छठ के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा बीजेपी नेता अजय महावर ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छठ पूजा पावन पर्व है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोगों की आस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। छठ महापर्व अब सिर्फ पूर्वांचलियों का ही नहीं, देश और दिल्ली की लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है। ऐसे में जब देश के विभिन्न अलग अलग नदियों में, गंगा नदी में, सब में, सभी प्रदेशों में छठ महापर्व बड़े धूमधाम और आस्था से मनाया जा रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, छठी मैया की पूजा की जा रही है, ऐसे में 5 वर्षों से दिल्ली में यमुना जी पर छठ व्रतधारी और भक्त आस्था के लोग सूर्य भगवान को यमुना जी में अर्घ नहीं दे पा रहे, छठी मैया की पूजा नहीं कर पा रहे, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार, जो यमुना जी का प्रदूषण साफ नहीं कर पाई। यमुना जी मैली की मैली है, यमुना जी तो मैली है, पानी, सीवर, हवा जहरीली हो चुकी है। बहरहाल दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस साल भी आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल की जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही बीजेपी ने छठ पूजा करने वालों से अपील भी की कि वो यमुना के दूषित पानी में डुबकी न लगाएं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि राजनीति से हटकर दिल्ली की सरकार छठ पूजा की आस्था की मर्यादा को बरकरार रख पाती है या फिर लोगों को यमुना नदी में दूषित जल में ही छठ पूजा की विधि को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डीआरआई टोटल टीवी दिल्ली।